स्मार्टफोन और पीसी में हम सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप अपने यूजर को बेस्ट सर्विस देने के लिए कई तरह के नए अपडेट लाता रहता है। व्हाट्सएप अब स्टिकर पैक्स की नई अपडेट लाया है, जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप की चैटिंग को काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि व्हाट्सएप के खुद के स्टिकर पैक्स होते हैं, उन्हें कैसे अपने व्हाट्सएप में डाउनलोड किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको दे बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार और आप देख रहे हैं टेक्स्ट टेप चैनल। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। जैसे वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय रही मेरे, जहां पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा दूंगा आपको, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपने कैसे व्हाट्सएप स्टिकर को डाउनलोड करना है अपने व्हाट्सएप में। चलो, आपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये व्हाट्सएप का डैशबोर्ड है। आपने किसी व्हाट्सएप के एक यूजर नेम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप नीचे की ओर देखेंगे टाइप मैसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो आपका व्हाट्सएप का टाइपिंग कीबोर्ड है उसकी सेकंड लाइन पर, ऊपर की जो सेकंड लाइन है उसमें आपको सेकंड नंबर पर एक छोटा सा आइकन दिखेगा इमोजी का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप के स्टिकर पैक्स आ जाएंगे, जो कि व्हाट्सएप ने खुद के हैं और खुद अपलोड किए हैं। और आप जो भी आपको एक अच्छा लगे आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे जहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, लोड ऑफ स्टिकर पैक्स ऑफ व्हाट्सएप, जहां पर आप देख सकते हो, कोई भी आपने कर लेना जो आपको अच्छा लगे। मैं एग्जांपल के तौर पर कोई ये कर लेता हूं, जहां पर आप मैंने जैसे ऐड के ऊपर क्लिक किया तो जो व्हाट्सएप का स्टिकर पैक है वो मेरे व्हाट्सएप में डाउनलोड हो चुका है। एक तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, जहां पर आप देख सकते हो, सब कुछ मैं वापस कर देता हूं। आपने दोबारा से टाइप मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर देख सकते हो लिखा टाइप मैसेज, इसके लेफ्ट साइड में छोटा सा इमोजी का आइकन है, इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे इमोजी आ चुके हैं, जहां पर आप नीचे की ओर देखेंगे, जहां पर तीसरे नंबर पर आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा स्टिकर पैक्स का, जहां पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद जहां पर आप राइट साइड पर देखोगे कि छोटा सा जो माइक है उसके नीचे एक प्लस का निशान है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर जो माइक के नीचे है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टिकर पैक्स हैं जो व्हाट्सएप ने खुद के अपलोड किए हैं व्हाट्सएप पर, और ये व्हाट्सएप के अपने हैं, और जहां पर आपको जो भी अच्छा लगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर आप देख सकते हो कि स्टिकर पैक्स के राइट साइड पर छोटे से जो डाउनलोड का आइकन है वो आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप जिस पैक के ऊपर डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करोगे तो वो जो स्टिकर पैक्स है वो आपके व्हाट्सएप में डाउनलोड हो जाएगा। जहां पर आप देख सकते हो कि टिक का मार्क आ चुका है, और जहां पर आप माई स्टिकर के ऊपर क्लिक करोगे तो जहां पर आप देख सकते हो कि जो मैंने भी स्टिकर पैक्स को डाउनलोड किया है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप और करना चाहते हैं तो जहाँ पर आप किसी को भी कर सकते हैं, जो आपको फेवरेट लगे या जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैं आपको दूसरा भी करके बता देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हो चुका है। और अगर आप और स्टिकर पैक्स को डाउनलोड करना चाहते हो, जहाँ पर आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन कर देने के बाद जहाँ पर आपने इसके सर्च बार में टाइप करना है व्हाट्सएप स्टिकर स्टोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जहां पर आप जो भी देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप से या व्हाट्सएप में आप इन सॉफ्टवेयर से स्टिकर पैक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा। और ऐसी और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। जैसे वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। अब तक बाय।